निकलकर सामने आ रही है कि नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान हुआ और सुरक्षा कर्मियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की। आपको बता दें कि नारायणपुर वो एरिया जहां पर इससे पहले भी कई बार मुठभेड़ हो चुके हैं, जहां पर नक्सलियों को भारी नुकसान का सामना झेलना पड़ा और एक बार फिर से सुरक्षा कर्मी और नक्सली आमने सामने नजर आए। तो आरफ पुरोहित हमारे साथ नारायणपुर से जुड़ चुके हैं। आरफ, क्या जानकारी मिल रही है, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ? जी, मैं आपको बता देता हूं कि आज दो दिन पहले जब 30 तारीख की रात्रि को चार जिलों की संयुक्त टीम वहां पर फोर्स जब मारे मार के इलाके में घुसी थी तो वहां पर नक्सलियों की खोजबीन जारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज सुबह के समय जब गमंडी और तुरेवाया के बीच में जब नक्सलियों का एक ट्रुप दिखाई दिया तो वहां पर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में बताया जा रहा है, बस्तर आईजीपी सुंदरराज का कहना है कि यहां पर जवानों को खड़ोस तक नहीं आई है, नक्सलियों को एक बड़ी मात्रा में वहां पर नुकसान हुआ है। अभी तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनकी संख्या कितनी है, लेकिन सूत्रों के माध्यम से 5 से 8 नक्सलियों को मारे जाने की खबर बताई जा रही है। जी आरएफ, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अभी भी पूरे इलाके को घेर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है? जी, अभी चार जिलों की टीम वहां पर अंदर पूरी सर्चिंग कर रही है, जो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जो ये माड़ का इलाका कहा जाता है और अबुज माड़ का जिस इलाके के अंदर अब ग्रामीण भी कहीं ना कहीं जागरूक हो गए हैं, तो ग्रामीणों के मार्फत से फोर्स के जवान पूरे इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं और सर्चिंग से यही निकल रहे हैं कि कहीं पे भी नक्सल के अगर गतिविधि का पता चलता है तो फोर्स वहां तक पहुंच रही है और नक्सलियों को नेस्त नाबूद करने में सफलता हासिल कर रही है। इनपुट क्या बता रहे, कितने और नक्सली वहां पर छुपे हो सकते हैं? जी, अभी फिलहाल वहां पे 5 से 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सुनाई दे रही है और उसी को देखते हुए यहां पर अगर नक्सलियों का सबसे बड़ी बात की जाए तो इसी इलाके में नक्सली बिल्कुल आरंभ लगातार ऑपरेशन जारी है नजर।